हाय एवरीवन, दिस इज सुष्मिता त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ऑलिव बोर्ड। स्वागत है आप सभी का आज की सेशन में। जो भी लोग हमारे साथ में सेशन में हो, अगर सब कुछ क्लियर है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, अगर सब सही है तो एक एक बार ही बता देना येस एवरीथिंग इज ओके एंड वील स्टार्ट द सेशन। ओके इफ एवरीथिंग इज ओके। ऑल ओके और बाकी लोग हैं कहाँ? गाये भी रहते हैं सब, बाद में आते हैं, धीमे धीमे जुड़ते हैं। ओके इतनी भी लेट नहीं करती हूँ मैं, आ जाती हूँ, इतना लेट नहीं करती हूँ। ओके सो तुम लोग थोड़ा टाइम पे आ जाए करो। एनी वे एज वी आर डूइंग दिस हियर, वॉट 6 मंथ एम सी क्यूज, नॉट 6 एक्चुअली 8 मंथ्स, ठीक है। आज हमारा फेब का सेकेंड पार्ट होगा जो हम लोग करेंगे, ठीक है। सो वी विल बी डूइंग द सेकेंड पार्ट ऑफ फेब्रवरी। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा, देयर इज अ कोर्स ऑन आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, आज 4 बजे इसकी क्लास होगी एच पर। सो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन द कोर्स। यहाँ पे आप लोगों को मेंस के लिए कंप्लीट कवरेज मिलेगा, बैंकिंग अवेयरनेस का पीडीएफ है बिल्कुल अपडेटेड और काफी अच्छी पीडीएफ रह रही है जो आप लोगों को मिलेगी आपके साथ। एक आपका जो है करंट अफेयर्स इसके बाद में शुरू किया जाएगा। बिसाइड आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दी गई है जहाँ पे आप लोग अपनी सारी डाउट्स वगैरह जो है डिस्कस कर सकते हो, जो भी इस कोर्स को ले रहा है इस कोर्ट के थ्रू, ठीक है। सो विल बी डूइंग इट, अगर आप लोग चाहते हो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। कोड आपका रहेगा सुष्मिता, नॉट सेन, नॉट त्रिपाठी, जस्ट सुष्मिता। ओके यूज दिस कोड, ये बहुत ही घटिया जोक था, गंदा जोक था, बट दिस विल बी योर कोड। ये जोक नहीं है, ये सच है, इसी कोड को यूज करना है। 20% के अलावा 5% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप लोग यूज करते हो। ओके बिसाइड आपके और भी कुछ कोर्सेज हैं, जस्ट एज SBI PO ये आपकी क्लासेस चल रही है। यहाँ पे आपकी ये इंग्लिश फैकल्टीज है, ये हिंदी फैकल्टीज है, इसमें भी अगर आप लोग चाहो तो इस कोड का यूज कर सकते हो एंड यू विल बी गेटिंग दैट 5% अगेन। ओके एंड वन मोर थिंग, ये भी आपकी क्लास चल रही है, ये एक तो आपकी बैंकिंग अवेयरनेस की अलग चल रही है क्लास और एक आपकी कंप्लीट चल रही है। तो ये जो कंप्लीट चल रही है यहाँ, ये इंग्लिश मीडियम और ये हिंदी मीडियम। ओके हिंदी मीडियम यू कैन सी मोहित सर, राजन सर, इन्फिनिट ऐसे मल्यूमर्स भी नोइंग एंड हियर आई एम। सो अगर आप लोग चाहते हो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ आप लोग देख सकते हो। ओके सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हमें, यू हैव टू यूज दिस कोड। ओके जैन की जो बच, यस यस यस, मैं आप लोगों को जो भी बची हुई थी पीडीएफ वो दे दूंगी, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। चलो अब मैं जरा गायब हो जाऊं ताकि हम लोग आराम से डिस्कस कर पाए। नाउ मूविंग टू द सेशन, सबसे पहला सवाल देखो आपसे क्या पूछ रहा है। कल हमने ये क्वेश्चन किया था, कल से हम लोगों को ध्यान रहेगा कि हाँ हमने ऐसा कुछ किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम इन पार्टनरशिप विद ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन एंड चेन्नई स्मार्ट सिटी। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, फटाफट इसका बता दो, तुम लोगों का मूड थोड़ा हल्का हो जाएगा कि हाँ ये आ गई, ठीक है। आंसर विल बी बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI, इलाहाबाद, कोटक महिंद्रा, नन ऑफ दी अबव। द आंसर हियर विल बी, या हियर योर आंसर विल बी ICICI बैंक। ICICI बैंक ने पार्टनरशिप करी है कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम और ग्रेटर, सॉरी, इन्होंने जो है लॉन्च किया है कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम, बेसिकली ये पेमेंट में यूज किया जाएगा आपका विद इन चेन्नई एंड इन पैन इंडिया ऑल्सो। और इसके लिए पार्टनरशिप किया ICICI ने ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और चेन्नई स्मार्ट सिटी से, दैट इज नम्मा, इजंट इट, कल हमने पढ़ा था नम्मा चेन्नई कार्ड, वी हैव रेड अबाउट इट, ठीक है। एंड ऑल्सो रिमेंबर ICICI आपका टैगलाइन क्या होता है ICICI का, हम है ना ख्याल आपका, सिचुएटेड इन मुंबई, ओके एंड इज द डीसीप, ये सारी बातें तो हम लोग कब से ही याद रखें। संदीप बख्शी इज द चीफ ऑफ ICICI। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड एन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, BSNL, भारतीय एयरटेल, जियो, वोडाफोन, नन ऑफ द अबव। किसने एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है, जल्दी जल्दी बताओ। यस यस, देखो ये फिर से आसान चीज हो गई, इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल लॉन्च्ड, ठीक है, इन्होंने लॉन्च करा था। भारतीय एयरटेल हैज लॉन्च्ड एन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, द प्लेटफॉर्म एयरटेल एड्स अलाउज ब्रांड्स टू क्यूरेट कंसेंट बेस्ड एंड सेफ कैंपेन फॉर सब्सक्राइबर टू ऑफ द टेलको। एयरटेल हैज ओवर 320 मिलियन कस्टमर अक्रॉस बिजनेस, ठीक है, ध्यान रखे रहेगा। एयरटेल एड हैज ऑलरेडी कोलेबोरेटेड विद पेप्सिको, जोमेटो, क्रेट, टाटा, लेंसकार्ड, अपोलो, जेम्स क्राफ्ट एटसेट्रा। ओके ध्यान रखे रहना, ओके मे बी आपसे पूछ लिया जाए बाई चांस। फिर याद रखिएगा कि एयरटेल, हमने बात करी भारतीय एयरटेल की, एयरटेल पेमेंट बैंक से रिलेटेड याद रखिएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक ने एयरटेल सेफ पे लॉन्च करा था,
क्या लॉन्च करा था? एयरटेल सेफ पे लॉन्च करा था, ठीक है। फिर एयरटेल पेमेंट बैंक ने एक और भी चीज लॉन्च करी थी, डिजी कोड, ठीक है, डिजी गोल्ड, ये भी इन्होंने लॉन्च करा था। और इसके थ्रू ये क्या था, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म था कस्टमर्स के लिए, जहां पे वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गोल्ड के अंदर, ठीक है। फिर एयरटेल पेमेंट बैंक, ये सारी हम लोग एयरटेल पेमेंट बैंक की बात कर रहे हैं, दिस वॉज भारती एयरटेल, ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने रिवॉर्ड्स 1-2-3 सेविंग अकाउंट भी लॉन्च करा था। रिवॉर्ड्स 1-2-3 सेविंग अकाउंट, ये भी किसने लॉन्च करा था? ये भी सिमिलरली इन्होंने ही लॉन्च करा था, ठीक है। एक और चीज को बस याद रखे रहिएगा कि एयरटेल और टीसीएस पार्टनरशिप कर रहे हैं 5G नेटवर्क सॉल्यूशंस के लिए, तो ये इससे रिलेटेड हो जाएगा भारतीय एयरटेल से, ठीक है। एयरटेल और टीसीएस मिल करके क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप कर रहे हैं किसके लिए? 5G नेटवर्क के लिए। भारतीय एयरटेल इसको कर रहा है, ठीक है। सारी बातों को याद रखना। भारतीय एयरटेल के सीईओ कौन है अभी? गोपाल विट्टल, ओके, ध्यान रखो। कौन है भारतीय एयरटेल के सीईओ? गोपाल विट्टल है। और फाउंडर कौन थे? सुनील भारती मित्तल थे, इनको ध्यान रखे रहिएगा। कब खोजा गया था भारतीय एयरटेल को? इट वॉज फाउंडेड इन 1995, ठीक है। चलो अगला देख ले हम लोग। किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी ज्यादा या कम समझ आया? यस, मूविंग टू द नेक्स्ट। सेंट्रल एक्साइज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट अक्रॉस इंडिया, ठीक है। सेंट्रल एक्साइज डे हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शंस यू कैन सी 13 फरवरी, 11, 20th, 27, 24th। व्हाट इज द आंसर? देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल एक्साइज डे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो हम लोग चाहे अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर भी ध्यान रखे रहिएगा। 13th को क्या होता है आपका? 13th को होता है मन का रेडियो बजने दे जरा, नहीं, वर्ल्ड रेडियो डे। वर्ल्ड रेडियो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 13th ऑफ फेब्रवरी। 11th फेब्रवरी को क्या मनाया जाता है? इस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस, ठीक है। फिर हमें क्या दिख रहा है? 20th ऑफ फेब्रवरी। 20th को क्या होता है? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। 27th को क्या होता है बताइएगा? 27th को क्या हो जाएगा? वर्ल्ड एनजीओ डे, ठीक है, इस दिन होता है आपका। देखो कैसे याद रहेगा, अगर हम लोग अपने ये जैसे 3 सेशन कर रहे हैं ना, 3 सेशन में डेली ऐसे 3-4 क्वेश्चन करते हैं और ऐसे रिवीजन करते चलेंगे ना, तो थोड़ा बहुत हम कोशिश करेंगे रिटेन कर पाएंगे, इजंट इट? वो कोशिश कर सकते हैं। हियर योर आंसर विल बी 24th ऑफ फेब्रवरी। 24th फेब को क्या मनाया जाता है? सेंट्रल एक्साइज डे। एक्साइज ड्यूटी इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच इज इम्प्लाइड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग, ओके, ये मैन्युफैक्चरिंग उस पर लगाई जाती है, ध्यान रखे रहना, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। द 17th इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर एंड होम डेकोर एग्जीबिशन 2021 वॉज ऑर्गेनाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है। 17वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर और होम डेकोर एग्जीबिशन 2021 कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया था? ऑप्शन मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। वॉट इज द आंसर? यस, ये आसान सवाल फिर मिल गया हम लोग को, इजंट इट? यस, हियर द आंसर विल बी ओडिशा। ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? ओडिशा में ऑर्गेनाइज किया गया था, ओके, देख लो भाई। ओडिशा होस्टेड द 17th इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर एंड होम डेकोर एग्जीबिशन। इट वाज ऑर्गेनाइज बाय ओडिशा चैप्टर ऑफ रियल स्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, क्रेडाई। पार्टनर कंट्री फॉर 2021 फेयर, ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश, एंड फोकस कंट्रीज आर अफगानिस्तान एंड ईरान। बिहार इज द पार्टनर स्टेट फॉर द फेयर, ठीक है, ध्यान रखना। पार्टनर कंट्री आप कौन थी? बांग्लादेश। फोकस कंट्रीज अफगानिस्तान और ईरान। बिहार क्या था? पार्टनर स्टेट था इसके लिए। इसको इनॉग्रेट किया गया था ओडिशा के लॉ मिनिस्टर प्रताप जेना के द्वारा, ठीक है। अच्छा, ओडिशा से रिलेटेड कुछ और भी चीजों को अगर आप लोग याद रखो तो ओडिशा ने अभी, ओडिशा भी क्या किया है, पहला ऐसा स्टेट बना है जिन्होंने स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया है। क्या किया है? स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट बन गया है, ठीक है। फिर ध्यान रखे रहिएगा, गोपा बंधु संबादिका स्वास्थ्य स्कीम, ठीक है, गोपा बंधु संबादिका स्वास्थ्य स्कीम, ये इन्होंने लॉन्च करा था, इसको भी ध्यान रखे रहना। अच्छा है, पूछा जा सकता है यहाँ से सवाल, ठीक है। फिर एक चीज को और याद रखे रहिएगा साथ ही साथ में, इन्होंने आशीर्वाद स्कीम लॉन्च करी थी कोविड ऑर्फेंस के लिए, इसको लॉन्च किया गया था। क्या था? आशीर्वाद स्कीम इन्होंने लॉन्च करी थी, ओके। ये सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है, नो वन नोज कहाँ से आपसे एग्जाम में क्या पूछ लिया जाए। मूविंग टू द नेक्स्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैज बैग्ड वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021? ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में किसने वुमेन सिंगल टाइटल जीता? करोलिना मुशोवा, जेनिफर ब्राडी, नाओमी ओसाका, एशले बार्टी, सेरेना विलियम्स। व्हाट इज द आंसर? हाँ देखो, आपसे पूछ रहा था कि विमेन सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली कौन थी, तो ये जीतने वाली आपकी कौन थी? नाओमी ओसाका, ध्यान रखे रहेगा। ओके, यस, नाओमी ओसाका। एंड शी हेल्स फ्रॉम विच कंट्री? शी हेल्स फ्रॉम जापान। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने विमेन्स पढ़ा, अगर आपसे पूछता मेन्स कौन जीता था, तो मेन्स ही टाइटल जीतने वाले आपके नोवाक जोकोविक साहब थे, ठीक है। इनको तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि ये हमेशा ही जीतते रहते हैं। और ये कहाँ के होते हैं? ये सर्बिया के होते हैं। इन्होंने मेन सिंगल टाइटल जीता था ऑस्ट्रेलिया का। इसके अलावा एक विम्बलडन होता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। विम्बलडन कौन जीता है? विम्बलडन इस बार मेन्स और विमेन्स की हम बात करें, ओके, मेन्स में जीतने वाले कौन थे? मेन्स में ये फिर से नोवाक जोकोविक साहब ही जीते थे, और विमेन्स में जीती थी एशली बार्टी। ये दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, एशली बार्टी, इन्होंने जीता था। ये कौन सी कंट्री की होती हैं? ये ऑस्ट्रेलिया की होती हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा कौन सा इंपॉर्टेंट होता है? इटालियन, अगर आप लोगों को ध्यान हो, ठीक है, इटालियन। तो इटालियन में मेंस जीतने वाले कौन थे? राफेल नडाल, कहाँ के? स्पेन, ओके। और वुमेन्स में कौन थी? ईगा स्वाइटेक, ठीक है। वुमेन्स में कौन थी? ये थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है नया लगे, ईगा स्वाइटेक कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? पोलैंड, ठीक है। फिर एक और चीज को ध्यान रखे रहना, फ्रेंच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्रेंच भी आपसे पूछा जा सकता है। फ्रेंच ओपन किसने जीता? फ्रेंच को फिर याद रखो, ये भी नोवाक जोकोविक साहब ने ही जीती, ओके। और विमेन्स में कौन जीती है? बारबरा क्रेजिकोवा, ओके। नाम से ही क्लियर हो रहा है, जेक रिपब्लिक, ओके, ठीक है, समथिंग जेक रिपब्लिक की। ये सारे नाम को ध्यान रखना, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यस, चलो अगला देख ले। इंडिया हैज रिसेंटली साइंड अग्रीमेंट्स रिलेटेड टू द वीजा फैसिलिटेशन एंड लेदर टेक्नोलॉजी विथ विच कंट्री? इथियोपिया, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशियस, बांग्लादेश। वेयर इज मैम? मैम इज नॉट विजिबल, ओके। मैं विजिबल नहीं हूँ क्योंकि ऐसे मुझे लिखने के लिए ज्यादा स्पेस मिलती है। तुम लोग भगवान से दुआ करो और कुछ मन्नत अन्नत मांगो कि जल्दी स्मार्ट बोर्ड मिले, ओके। देखो, स्मार्ट बोर्ड जल्दी ही मिलने वाला है, थोड़ी मन्नत अन्नत मांगो कि और जल्दी मिल जाए, ठीक है। चलो, इंडिया हैज रिसेंटली साइंड अग्रीमेंट रिलेटेड टू वीजा फैसिलिटेशन एंड लेदर टेक्नोलॉजी विथ विच कंट्री? हियर द आंसर विल बी इथियोपिया। इथियोपिया के साथ में इस पैक्ट को साइन किया गया है, ठीक है। नाउ सी हियर, India and Ethiopia signed two agreements related to visa facilitation and leather technology. The Ethiopia Deputy Prime Minister and Foreign Minister Demek Mekonnen Hassan is on a 4-day visit to India. ये सब आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि इथियोपिया में अभी फिर से कौन बनाएगा यहाँ के प्रेसिडेंट? एबी अहमद। ये फिर से जीते हैं, ठीक है, ध्यान रखे रहना, ओके। लास्ट ईयर इथियोपिया में आपका अफ्रीकन यूनियन का समिट भी हुआ था, ध्यान रखना इन बातों को, ठीक है। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट। The US has officially rejoined the Paris Climate Agreement in February 2021. The landmark deal was signed in which of the following year? ठीक है, Paris Agreement कौन से ईयर में साइन किया गया था? 2013, 2015, 2017, 2012, none of the above. Yeah. ओके, आंसर्स सभी लगभग जितने भी आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, इट इज ऑलमोस्ट करेक्ट, ठीक है। ये कब किया गया था? इसे किया गया था 2015 में, ठीक है। योर आंसर विल बी नन है क्या 2015? हाँ, इट वॉज साइंड इन 2015, ठीक है। मुझे लगा 2015 कहीं भी मुझे दिख ही नहीं रहा था, ठीक है। तो पेरिस अकॉर्ड वॉज बेसिकली साइंड इन 2015। फिर ध्यान रखे रहना, पेरिस अकॉर्ड की हम बात करते हैं तो एक बेसिकली इंटरनेशनल ट्रीटी होता है जो कि क्लाइमेट चेंज पर साइन किया गया था, ओके।
और जब इसे साइन किया गया था तो इसको अडॉप्ट किया था 196 कंट्रीज ने. कितने ने? 196 कंट्रीज में किया था. दिसंबर 2015 में इसको साइन किया गया था. अब इन्होंने तब एक गोल सेटअप किया था और इनका जो गोल था वो क्या था? गोल था कि ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट किया जाएगा टू वेल बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और प्रेफरेबली लिमिट कर दिया जाएगा 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है. ये कोशिश की जा रही थी कि ऐसा किया जाएगा प्री इंडस्ट्रियल लेवल के अलावा, ठीक है. फिर एक बात को और ध्यान रखे रहिएगा कि जैसे ये यूएस ये क्या किया था, डोनाल्ड ट्रम्प थे, ट्रम्प चचा हर चीज़ को छोड़ के निकल लिए, ठीक है, तो वो ये भी बोल दिए हम इसमें भी नहीं रहेंगे, निकल लिए थे, फिर बाइडेन साहब आके वापस आ गए. यूएस ही सबसे बड़ा एमिटर भी है, सबसे बड़ा एमिटर. इनकी हाईएस्ट हिस्टोरिकल एमिशन है 25% की, 25% जो है यूएस की है अपनी हिस्टोरिकल एमिशन. इसके अलावा ईयू की होती है 22% की, ईयू के एंड से 22% एमिशन होता है ग्रीन हाउस गैसेस का. फिर चाइना का 13% का होता है, भारत अपना अभी थोड़ा इसमें पीछे है 3%, ठीक है. कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है कि हम लोग बहुत आगे रहे, यहाँ पे सही है. ओके चलो, इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था आपका 2015. अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिलीवर्ड 100th K9 वज्र होवित्जर टू द इंडियन आर्मी? DRDO, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, लार्सन टर्बो और DRDL. इंडिया का 3%. ओके हाँ, चलो देखो, या आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? DSLR, DRDL लिखा हुआ है, DSLR नहीं होता है कुछ ऐसे. ओके किसने जो है डिलीवर किया था 100th K9 वज्र होविजर? ओके इसके बारे में अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था. द आंसर हियर विल बी लार्सन एंड टर्बो, ठीक है. टर्बो नहीं होता है, टर्बो होता है बेसिकली. इन्होंने डिलीवर किया था 100th K9 वज्र. अच्छा, महिंद्रा और महिंद्रा हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना, तो इससे रिलेटेड एक चीज़ को ज़रूर ध्यान रखे रहिएगा कि महिंद्रा ने जो है अभी महिंद्रा और महिंद्रा महिंद्रा की जो आपकी डिफेंस लिमिटेड है, इन्होंने इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ में, ठीक है, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री क्या, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के साथ में एक पैक्ट साइन किया था कि ये लोग स्पेशलिस्ट सॉरी लाइट स्पेशल व्हीकल्स देंगे हमें. क्या देंगे? लाइट स्पेशल व्हीकल सप्लाई करेंगे ये लोग भारत को. और ऐसी कितनी व्हीकल सप्लाई करने को बोला है? 1300 ऐसी व्हीकल्स सप्लाई करने को बोला है. इंडियन आर्मी को दिया जाएगा. कितने रुपए में देने को कहा गया है? ये देंगे ये लोग 1056 करोड़, ठीक है. ऐसा नहीं है कि ट्रॉफी की तरह जाके खरीद रहे हैं. 1056 करोड़ की डील हुई है इंडियन डिफेंस मिनिस्टर और महिंद्रा के बीच में, ताकि ये लोग लाइट स्पेशल व्हीकल्स दे सके 1300 फॉर इंडियन आर्मी, ठीक है. चलो ओके, व्हेन इज वर्ल्ड थिंकिंग डे ऑब्जर्व? 21 फरवरी, 20 फरवरी, 22 फरवरी, 28 फरवरी, नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड थिंकिंग डे ऑब्जर्व? देयर शुड बी वन ओवर थिंकिंग डे एंड दैट शुड बी डेडिकेटेड टू मी. ओके एनीवे, व्हेन इज वर्ल्ड थिंकिंग डे ऑब्जर्व? नहीं पता, सबसे अच्छा यही आंसर है. ओके नाउ सी, वर्ल्ड थिंकिंग डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 फरवरी को, ठीक है. जब हम लोग बात करते हैं 21st ऑफ फेब की, तो 21st फेब को आपको क्या होता है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे होता है. इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ठीक है. 20th ऑफ फेब्रवरी को क्या हो जाता है? अभी हमने बात करी थी ना, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है. तो ध्यान रखे रहना, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस. यस, टेक योर टाइम एंड थिंक, देन टेल मी व्हेन इज वर्ल्ड थिंकिंग डे ऑब्जर्व. 28th ऑफ फेब्रवरी को क्या होता है? नेशनल साइंस डे. ओके नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड. ओके चलो अगला देख ले. ओके अब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करी जाएगी हर चीज़ की, बिकॉज ऐसे हम लोग जो 50 क्वेश्चन है उसको करने में बहुत समय लगाएंगे. कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउ मेनी हाउसेज हैव बीन अप्रूव्ड अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एट 53rd सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी मीटिंग? 50368, 52760, 56368, 66368 और नन ऑफ द अबव. ओके गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड भी एक सेशन लूंगी. देखो इस संडे को आपकी जो सेशन होगी वो मंथली एमसीक्यूज होंगे आपके, ठीक है. सैटरडे संडे को आपका मंथली एमसीक्यूज होगा.
और संडे को आपका वीकली भी होता है, ये तो ये सैटरडे संडे बहुत ज्यादा पैक है हमारा। फिर अगले सैटरडे संडे या आई विल ट्राई दिस सैटरडे संडे ओनली आई विल टेक अ सेशन ऑन बोल्ट, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी, अपनी टीम से बात करूंगी कि बोल्ट का सेशन ऐसे लिया जाए कि इसे एमसीक्यूज में भी अरेंज करा दिया जाए, इजंट इट। तो ये आप लोग पढ़ोगे और यहाँ पे एमसीक्यूज जब आप लोग दोगे तो आपका एक रिविजन हो जाएगा, इजंट इट। ऐसे कोशिश करते हैं हम लोग। खैर चलो, अभी आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंस्ट्रक्शन कितने हाउसेस का अप्रूव किया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंडर। ओके सो कितने का अप्रूव किया गया था, 56368। ओके कौन सी मीटिंग थी, ये मीटिंग हुई थी इनकी 53rd सेंट्रल सैंक्शनिंग और मॉनिटरिंग कमेटी मीटिंग। ओके ध्यान रख के रहना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, हो सकता है पूछ लिया जाए। डिजिट्स में आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, डिजिट्स में नहीं पूछेगा, ये आपसे सीधा पूछता है कि कौन सी मीटिंग हुई थी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने स्टेट्स ने अटेंड करी है या कब आया था, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2300 करोड़, ठीक है। कितने टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स जो है अप्रूव किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2300 करोड़ में, 6, 8, 10, 15, 20, बताओ भाई। अगेन दिस इज वेरी इजी, ठीक है, ये बहुत न्यूज में था एक टाइम पर। द आंसर हियर विल बी 8। 8 टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स जो है क्या किए गए थे, इनॉग्रेट किए गए थे। फिर याद रखिएगा एक टॉय कैथन भी आया था, टॉय कैथन लॉन्च किया गया था। ओके फिर एक और चीज को याद रखे रहिएगा, भारत में पहली बार इंडिया टॉय फेयर भी हुआ था। क्या हुआ था, इंडिया टॉय फेयर 2021 का। ये सारे पॉइंट्स को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों, ये क्या चीज़ दिखा रहा था, आत्मनिर्भरता को ही जो है ये रिफ्लेक्ट कर रहा था। ओके ध्यान रखे रहना। अच्छा, कैन यू पीपल टेल मी ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, टॉय फेयर जो है ये ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया था। अ वर्चुअल इवेंट, क्या कोई ऐसी इसकी वेन्यू जहां पे इसको ऑर्गेनाइज अलग से किया गया है। चलो अगला देखो, विच स्टेट विल होस्ट सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इन 2021। कल हमने ये किया था, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इन 2021 कौन होस्ट कर रहा है, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु, नन ऑफ द अबव। वेरी गुड, ये कल ही का अपना क्वेश्चन है, इज़न्ट इट। इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका, ठीक है, ध्यान रखे रहना। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, कर्नाटका के द्वारा। नौ सही है, कर्नाटका इज सेट टू होस्ट सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। द गेम्स विल बी होस्टेड इन जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। KIUG इज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी लेवल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इन इंडिया। इट विल सी एडिशन ऑफ टू न्यू नेटिव स्पोर्ट्स नेमली योगासन एंड मल्लाकम्भ इन द मेडल इवेंट्स। दोनों को याद रखना, दो नए स्पोर्ट्स को ऐड कर दिया गया था। द टोटल नंबर ऑफ मेडल इवेंट्स स्पोर्ट्स विल बी 19। द गेम्स विल बी कंडक्टेड इन U25 एज कैटेगरी इन अकॉर्डेंस विद वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स नॉर्म्स। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इज टू आइडेंटिफाई एंड ट्रेन एथलीट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 25 years फॉर एशियन एंड ओलंपिक गेम्स, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि खेलो इंडिया गेम जो है हमारे वहाँ का, ये नेक्स्ट ईयर 2022 में होगा और इसको कौन होस्ट करने वाला है, इसको होस्ट करने वाला है आपका पंचकुला हरियाणा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखे रहना, ठीक है। अच्छा, यस ओके हाँ, इसके अलावा एक और बात बताना, खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ हुआ था, ये हमने कई बार कर रखा है, इफ यू पीपल रिमेंबर, गुलमर्ग, ठीक है। चलो अगला देख लो, रेलवेज विल बी फुली इलेक्ट्रीफाइड इन 3 years इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब, नन ऑफ द अबव। हाँ, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रेलवे फुली इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा, ठीक है,
अगले 3 साल में कौन से स्टेट में मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब और नन, ओके, द आंसर हियर विल बी वेस्ट बंगाल. इन वेस्ट बंगाल इट विल बी फुली इलेक्ट्रिफाइड. रेलवेज विल बी फुली इलेक्ट्रिफाइड इन 3 ईयर्स इन वेस्ट बंगाल. रेलवेज मिनिस्टर पीयूष गोयल, जो कि अभी नहीं है हमारे रेलवे मिनिस्टर, हु इज द रेलवे मिनिस्टर, इन्फॉर्म दिस वाइल डेडिकेटिंग वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड पैसेंजर एमिनिटी रिलेटेड वर्क्स इन नॉर्थ बंगाल एरिया. द न्यूली इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू न्यू कोच बिहार ऑफ 126 रूट किलोमीटर्स वॉज डेडिकेटेड ऑन 21 फरवरी 2021. ठीक है, चलो ये सारी चीजें. अश्विनी वैष्णव, वेरी गुड. ठीक है, अच्छा, रेलवे को जो है ये कहा जा रहा है फ्यूचर रेडी हो जाएगा 2030 तक. रेलवे बोला है कि ये कार्बन एमिशन जीरो कर देगा अगेन टिल 2030. ठीक है, ये भी ध्यान रखे रहना. ओके, कंप्लीटली जो भी ब्रॉड गॉज है इनको इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाएगा टिल 2023 एंड. हु इज द चीफ ऑफ रेलवे? सुनीत शर्मा. ओके, रेलवे की बजटरी एलोकेशन 1.10 लाख करोड़ इस बार की. ठीक है, चलो नेक्स्ट. द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? कब से आप लोगों को मैं बता रही हूँ? 17 फरवरी, 19, 18, 20, 21. बताओ भाई, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस आपसे पूछ रहा है कि ये कब मनाया जाता है. या ये हमने अभी देखा था, है ना, ये 20 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखे रहना, इंपॉर्टेंट है. ओके, बाकी 17, 19, 18, 21 ऐसा इतने को इंपॉर्टेंट नहीं होता है. 21 को याद रखे रहना, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको जरा ध्यान रखे रहना. ठीक है, इस दिन आपका इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे होता है, 20th को आपका वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस होता है. ओके, जस्टिस में टॉप करने वाला स्टेट कौन सा था जस्टिस डिलीवरी में? महाराष्ट्र. कल हमने पढ़ा था ये भी. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन शिप इज पार्टिसिपेटिंग इन नेवल डिफेंस एग्जीबिशन नेवडेक्स 21 एंड इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन आईडेक्स 21 इन आबू धाबी? ठीक है, भारत की कौन सी शिप थी जो पार्टिसिपेट करी है नेवडेक्स और आईडेक्स आबू धाबी में? INS विभूति, INS वीर, INS निर्घाट, INS प्रलय, INS निर्भय. वॉट इज द आंसर? द आंसर विल बी INS प्रलय. ओके, अच्छा, INS तबर अभी क्यों न्यूज में थी? इसके न्यूज में होने का क्या रीजन था? अगर याद हो तो बताओ. ठीक है, चलो, क्या ये ध्यान रखे रहना, इंपॉर्टेंट था ये INS प्रलय. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट. हाँ, एक और भी चीज़ को याद रखे रहना, चूंकि हम लोग इसकी बात कर ही रहे हैं. इंडियन नेवी और UAE नेवी ने कंडक्ट क्या किया था? बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज इनका कौन सा था? जायद तलवार 2021. क्या था? जायद तलवार 2021. किसके किसके बीच में था ये? आपका इंडिया और UAE नेवी के बीच में हुआ है. ठीक है, पता ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा करंट अफेयर्स में. इंडिया UAE नेवी के बीच में हुआ है जायद तलवार. ओके, इसको बस ध्यान रखे रहना, मे भी आप लोगों से पूछ लिया जाए. ओके, या चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट. द CSIR has collaborated with which of the following entity to promote health research in India? CSIR किसके साथ में मिल करके जो है प्रमोट करने को कही है हेल्थ रिसर्च इन इंडिया? बिल एंड मेलिंडा गेट्स, ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया, गावी द वैक्सीन अलायंस, रोटरी इंटरनेशनल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट इज द आंसर? देखो, द आंसर ये विल बी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन. ओके, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन टू सपोर्ट द डेवलपमेंट, कंडक्ट एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ रिसर्च इन इंडिया. इस बात को बस आप लोग ध्यान रखे रहिएगा. और हाँ, CSIR के चीफ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये लगातार जो है अभी न्यूज में था. हु इज द चीफ ऑफ CSIR? दैट वुड बी SC मांडे. ठीक है, डायरेक्टर जनरल बेसिकली. Hello, moving to the next. Which of the following Sri Lanka fast bowler has announced his retirement from international cricket? Ramesh Ratnayake, Chaminda Vaas, Dhammika Prasad, Ranjit Fernando? None of the above. What is the answer? Batate chalo, batate chalo. Dekho, the answer here will be
ठीक है, इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? धम्मिका प्रसाद, इनके बारे में आप लोग भी देखे होंगे, इजंट इट? सो धम्मिका प्रसाद वाज द वन हु डाइड। ओके चलो, क्या अगला देख लें हम लोग। हाउ मेनी इंडियन ओरिजिन पीपल हैव बीन फीचर्ड इन टाइम्स 100 नेक्स्ट 2021? 7, 5, 2, 3, 4। इन सब की डिटेल्स आपको मिलती जाएंगी, ठीक है, तो आप लोग घबराओ मत। बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे तो हम लोग आगे वाले मंथ्स पे बहुत धीमे पहुँचेंगे, जो हमें नहीं करना है। ओके अच्छा, मैं डाइड बोल रही थी क्या? सॉरी सॉरी, रिटायर्ड। ओके एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, ही हैज बीन रिटायर्ड। ओके मैं डाइड बोल रही थी, क्यों ये बोल रही थी। ओके चलो देखो, अब आपसे पूछ रहा था हाउ मेनी इंडियन ओरिजिन पीपल हैव बीन फीचर्ड इन टाइम 100 नेक्स्ट 2021? द आंसर हियर विल बी 5। ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर न्यूज हुई थी। मार दिया बेचारे को झूठ में, वो भी इजंट इट। चलो क्या देखिए, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद एंड 5 इंडियन ओरिजिन पर्सनालिटीज हैव बीन फीचर्ड इन 2021 टाइम 100 नेक्स्ट। इट इज द सेकेंड एडिशन ऑफ एनुअल लिस्ट ऑफ टाइम मैगजीन्स 100 इमर्जिंग लीडर्स हु आर शेपिंग द फ्यूचर। ओके ध्यान रखे रहना। चलो अगला देख लो, हु हैज फर्स्ट कन्फर्म दैट नासाज प्रिजर्वरेंस रोवर सेफली लैंडेड ऑन मार्स? अनिता सेन गुप्ता, कमलेश लोला, अश्विन वैश्वाक, स्वाति मोहन, नन ऑफ द अबव। बहुत भयानक यहाँ पे हवा चलती रहती है, देर इज नथिंग न्यू। इसकी वजह से इनिशियली मेरे बहुत सारे सेशंस भी डिस्टर्ब हुए थे, बहुत ही भयानक हवा रहती है यहाँ पे ऑल एवरी टाइम। या देखो, अभी आपसे क्या पूछ रहा है, अभी आपसे पूछ रहा है कौन है, किसे, किन्हें कंफर्म किया, किन्होंने कंफर्म किया कि नासा की प्रिजर्वरेंस रोवर सेफली लैंड करी थी मार्स पर, ठीक है। सो हियर द आंसर विल बी स्वाति मोहन। इनके बारे में हम लोग इनिशियली बहुत पढ़े थे जब वहाँ पढ़ते थे। द नासा प्रिजर्वरेंस रोवर सेफली लैंडेड ऑन मार्स आफ्टर इट्स 292.5 मिलियन माइल जर्नी फ्रॉम अर्थ। द रोवर हैज बीन ऑन अ नियरली 300 मिलियन माइल जर्नी सिंस इट लेफ्ट अर्थ मोर देन 6 मंथ्स अगो, ठीक है, इतना हमें नहीं पूछना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंडियन अमेरिकन नेम डॉक्टर स्वाति मोहन हु फर्स्ट कन्फर्म दैट द रोवर हैड सर्वाइव्ड अ पर्टिकुलरली ट्रिकी प्लंज इन टू द मार्शियन एटमोसफियर, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। देन मोहन हु सक्सेसफुली स्पेयर हेडेड द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड कंट्रोल एंड द लैंडिंग सिस्टम फॉर रोवर वॉज अमंग द टीम ऑफ साइंटिस्ट बिहाइंड द हिस्टोरिक मिशन। इनके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। कल हमने क्या पढ़ा था, निसार के बारे में भी पढ़ा था, अबाउट नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन जिसको लॉन्च किया जाएगा 2023 में श्रीहरिकोटा से, और किस मिसाइल से लॉन्च किया जाएगा, GSLV MK2, ठीक है। तो कल हमने इसके बारे में पढ़ा था अबाउट टू बैंड्स, निसार जो लॉन्च किया जा रहा है, नासा और इसरो मिल करके कर रहे हैं इसे, ठीक है, 2023 में इसको लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड मैपिंग लव? मैपिंग लव किसने लिखी है, जोया अख्तर, गौरी शिंदे, अश्विनी अय्यर तिवारी, दीपा मेहता, गोरिंदर चड्ढा? व्हाट इज द आंसर? मेरा डेली करंट अफेयर्स अभी फिलहाल में कहीं भी नहीं हो रहा है, फिलहाल मैं एक हफ्ते के लिए लूंगी आपका TNA, लेकिन अभी ऐसा कोई फिक्स नहीं है, मे बी आने वाले टाइम में मैं कुछ ऐसा करूँ, बट अभी के लिए नहीं है ऐसा कुछ। नाउ सी द क्वेश्चन इज कि किन्होंने मैपिंग लव लिखी है किताब, ठीक है, तो ये लिखने वाले कौन थे, अश्विनी अय्यर तिवारी, ठीक है। अश्विनी अय्यर तिवारी द 41-year-old फिल्म मेकर इज सेट टू पब्लिश हर डेब्यू फिक्शन नॉवल टाइटल मैपिंग लव इन May 2021। द बुक इज पब्लिश बाई रूपा पब्लिकेशन, ठीक है, इन विच वॉज रीमेड इन तमिल एज अम्मा कुनक्कू। शी इज वेल नोन फॉर हर फिल्म बरेली की बर्फी, घर की मुर्गी एंड पंगा। ओके चलो, यस यस, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये जाने भी जाती हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल टाइटल? अभी अभी मैंने आपको बताया, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, डैनियल मेडवेड, अलेक्जेंडर ज़वरेव, या फिर नन ऑफ द अबव। या ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द आंसर हियर विल बी नोवाक जोकोविक एंड ही बिलोंग्स टू सर्बिया, है ना। और वुमेन्स में जीतने वाली कौन थी, नाओमी ओसाका। ओके नाउ नाओमी ओसाका बिलोंग्स टू जापान, ठीक है ना। अब अगर बहुत ही भयानक क्वेश्चन आ जाएगा तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डबल्स में कौन जीते थे, तो समझ जाओ अगर डबल्स में पूछा जा रहा है तो उनका इंटेंशन ही यही है कि कोई इसमें पास ना करे, बहुत ही भयानक नाम हो जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैं लिस्ट दे दूंगी लेकिन डोंट वरी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश इज ऑल सेट टू एक्सपोर्ट 20 टन ऑफ बुद्धा राइस पॉपुलरली नोन एज काला नमक राइस टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री म्यांमार चाइना थाईलैंड सिंगापुर नन ऑफ द अबव देखो भाई अब आपसे क्या पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश ने काला नमक राइस कौन सी कंट्री को जो है एक्सपोर्ट करने को बोला था ये इन्होंने सिंगापुर को बोला था ओके द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज ऑल सेट टू एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट ऑफ 20 टन ऑफ काला नमक राइस टू सिंगापुर दिस मूव इज अ मेजर बूस्ट टू द फार्म एक्सपोर्ट फ्रॉम स्टेट काला नमक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वेराइटीज ऑफ एरोमेटिक राइस इन इंडिया ये ध्यान रखिएगा द कंसाइनमेंट विल बी सेंट टू सिंगापुर फ्रॉम सिद्धार्थ नगर बाय एंड ऑफ मार्च सिद्धार्थ नगर देखो हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पढ़ते हैं ठीक है तो सिद्धार्थ नगर में जो प्रोडक्ट है वो यही है काला नमक राइस है ओके ये काला नमक इंडीड इट इज अ वेरी गुड राइस ठीक है ऑल दो आई डोंट लाइक राइस बट इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है इसके अलावा एक और भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश में आपका एंटी टेररिज्म स्क्वाड शुरू किया गया है सभी को याद होगा यहाँ की अपनी टू चाइल्ड पॉलिसी ये भी हम लोगों को ध्यान है Isn't it? और फिर यहाँ पे पॉड टैक्स ही शुरू की गई है एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक फिर यहाँ पे फिल्म सिटी बन रही है आईकिया जो कि एक फॉरेन ब्रांड है जनरली फर्नीचर्स वगैरह काफी कुछ इनके आप देखते होंगे इन्होंने कहा है कि ये अपनी 5500 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके यूनिट ओपन करेंगे यूपी में जब मैक्सिमम ये लोग करने वाले हैं वो भी ये लोग यूपी में ही करेंगे जो भी करेंगे यूपी में अभी आपके कुशीनगर को तीसरा लाइसेंस दिया तीसरा एयरपोर्ट बन गया इंटरनेशनल टर्मिनल वाला ठीक है और ये बोला जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में मैक्सिमम ऐसे जो एयरपोर्ट्स होंगे वो यूपी में ही होंगे ठीक है तो चलो यूपी बहुत कुछ कर दिखाया है अरे मैं बहुत कुछ कर रही हूँ यार लेकिन अभी कोई खास फायदा नहीं हो रहा है बट स्टिल बेटर देन बिफोर भयानक हो गया है हु अमंग द फॉलोइंग अप्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन लाल लकीर पेमा खांडू अमरिंदर सिंह वाई एस जगनमोहन रेड्डी सर्वानंद सोनोवाल नन ऑफ द अबव एंटी रोमियो स्क्वाड तो बहुत दिन से इन लोगों का या क्या पूछ रहा है मिशन लाल लकीर किसने अप्रूव किया था इनका इंप्लीमेंटेशन ओके सो आंसर विल बी अमरिंदर सिंह द पंजाब गवर्नमेंट पेव्ड वे फॉर विलेजर्स लिविंग विद इन द लाल लकीर टू गेट देयर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड विद द रेवेन्यू डिपार्टमेंट टू मोनिटाइज इट और फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द बैंक फॉर दिस पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह अप्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन लाल लकीर लाल लकीर इज द डिमार्केशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया बाई वे ऑफ अ रेड लाइन ऑफ द मैप ठीक है इसलिए इसका नाम क्या है लाल लकीर मार्क कर दिए जाएंगे ठीक है डी मार्क कर दिया जाएगा एग्रीकल्चरल लैंड रेसिडेंट एरिया से कैसे एक रेड लाइन के थ्रू मैप्स में नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड मेवेरिक मशिया शशि थरूर रोहिंटन मिस्त्री रमेश कंडुला विक्रम चंद्र नन ऑफ द अबव हाँ पंजाब में एक नया डिस्ट्रिक्ट ऐड किया गया था मलेर कोटला ठीक है ये 23rd डिस्ट्रिक्ट है वहां का ध्यान रखे रहना क्या नाम था मलेर कोटला ये वहां का 23rd डिस्ट्रिक्ट है नाउ सी द क्वेश्चन इज इनमें से किन्होंने लिखी है मैवरिक मशीहा ठीक है इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा रमेश कंडुला जी ने लिखी थी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड अ पैकेज ऑफ ₹200 करोड़ फॉर 2021-22 फिस्कल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मां समलेश्वरी श्राइन कर्नाटका ओडिशा आंध्र प्रदेश केरल मध्य प्रदेश ये तो आसान सवाल है बहुत नाउ सी क्या पूछ रहा है कौन से स्टेट ने रिसेंटली अनाउंस किया था पैकेज 200 करोड़ का 2021-22 के लिए ताकि माँ समलेश्वरी श्राइन का जो है डेवलपमेंट किया जा सके इट वाज डन बाय ओडिशा ठीक है ओडिशा सरकार ने ये किया था ओडिशा से रिलेटेड अभी हम लोगों ने काफी बात करी थी दो बातें नहीं करी थी पहला तो पूरी जो कि अपने वहां पर कंप्लीट करा दिया है और 24/7 पोर्टेबल वाटर सप्लाई ठीक है और इसके अलावा भुवनेश्वर जो पहला डिस्ट्रिक्ट बना था क्या करने के लिए 100% वैक्सीनेट कराने में ओके फिर इन्हें अगले 10 साल का फुटबॉल का स्पॉन्सरशिप और दे दिया गया किसको ओडिशा को
द मोबाइल ऐप स्नेक पीडिया हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? असम, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। हाँ, द आंसर इज यस। ये लॉन्च किया गया केरल में। ये जितने भी इंफॉर्मेशन होंगी रिलेटेड टू स्नेक इट विल बी गिविंग, ठीक है? तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी केरल। केरल बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहता है, ऐसा नहीं है कि केरल न्यूज में ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो जितनी बातें होती हैं वो मैक्सिमम केरल में हमें मिलती हैं। थोड़ी बहुत बातें अगर हम लोग एक एक बार फिर से रिमाइंड कर लें, ठीक है? तो अच्छा, केरल में अभी सबसे रिसेंट तो यहाँ का जो ओनम हार्वेस्ट फेस्टिवल ये हुआ है, ठीक है? ये अगस्त में हुआ था आपका, इसको जरा ध्यान रखे रहना, ठीक है? फिर मातृ कवचम याद रखे रहना। यहाँ पर क्या हुआ था? मातृ कवचम, ये जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो ड्राइव इन वैक्सीनेशन था उनके लिए, इसको भी ध्यान रखे रहना, ठीक है? फिर भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब, क्या चीज? ड्रोन फॉरेंसिक लैब, ये केरल में ही आपका शुरू किया गया है, इस पॉइंट को ध्यान रखे रहना, ठीक है? फिर और क्या आप लोगों को ध्यान रखने हैं? जो पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक है, ठीक है, हार्ट फेलियर बायो बैंक, ये भी आपका शुरू हुआ है कहाँ? केरल में। दिस वॉज ऑल्सो स्टार्टेड इन केरल। बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या हम लोग पढ़ते ही चलेंगे बस। पिंक प्रोटेक्शन लॉन्च किया गया था, ओके, चलो इन सारी बातों को ध्यान रखना। जेंडर पार्क वगैरह, पहला बुक विलेज, पेरम कोलम, ये सारी चीजें हम लोग कई बार किए हुए हैं, ठीक है? चलो खैर, इसका आंसर आपका केरल था, ठीक है? अगला क्वेश्चन देख लो। नेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज चेयरपर्सन ऑफ यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी कमिटी ऑन ह्यूमन राइट काउंसिल। सिद्धार्थ, सॉरी, प्रीति सिन्हा, नजहत शमीम, मल्लिकार्जुन खड़गे, रोहन रोशन सिंह कालरा, अजय मल्होत्रा। Yes. अब इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा अजय मल्होत्रा। अजय मल्होत्रा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी कमिटी ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है? कल हमने एक और नाम पढ़ा था, अगर आप लोगों को ध्यान हो, मॉर्निंग वाले सेशन में मैं आपको बताई थी, रंजीत सिंह साले, ये वर्ल्ड बैंक के एजुकेशन एडवाइजर बनाए गए हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग इज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ एंड एमडी ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड? हैने सोरेनसन, मार्क लिस्ट्रोसेला, ओपी भट्ट, मित्सुकिशी यामाशीत या केवी चौधरी? अच्छा, मैं तो नहीं देखी, मैं फिर देखूंगी जरूर। या आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? टाटा मोटर्स लिमिटेड के चीफ कौन बनाए गए हैं? मार्क लिस्टोसेला, ठीक है? द कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच पेमेंट बैंक टू फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर? कौन सी पेमेंट बैंक जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए एक पैक्ट जो है अकाउंट खोलेगी अपने वहां पर, जिसके लिए उन्होंने एमओयू साइन किया है क्रेडाई के साथ? एयरटेल, इंडिया, फिनो, जियो, पेटीएम। या द आंसर हियर विल बी इंडियन पेमेंट एंड पोस्टल बैंक ने ये पैक्ट साइन कराया, ठीक है? ऑन द लाइन ऑफ लेबर वेलफेयर इनिशिएटिव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, द कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्रेडाई हैज इंक्ड एमओयू विद इंडियन पेमेंट एंड पोस्टल बैंक। एमओयू विल इंश्योर एक्सेसिबल फाइनेंशियल सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर, ठीक है? तो ये आप लोग जैसे देख सकते हो, इन्हीं के लिए इसको पर्टिकुलरली ओपन किया जा रहा है। ओके, आईपीपीबी की जब हम लोग बात कर लेते हैं तो आईपीपीबी जो है ये हमारे वहाँ पे गवर्नमेंट ओन्ड क्या है, एक पेमेंट बैंक है, पोस्ट पेमेंट बैंक। ओके, फिर एक और भी चीज़ को ध्यान रखे रहना सब लोग, कि जो भी पेमेंट बैंक्स हैं, पहले यहाँ पे डिपॉजिट 1 लाख तक थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 2 लाख तक कर दी गई है। एनीवे, अब एक और भी बात को ध्यान रखे रहो कि ये भी कहा जा रहा है कि जो आईपीपीबी है ये किस में कन्वर्ट किया जाएगा? एसएफबी में कन्वर्ट करने को कहा जा रहा है। एसएफबी यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक, फ्रॉम पेमेंट बैंक इट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है?
फिर इतनी बात की है तो दो और चीजों को याद रखे रहना कि आईपीपीबी ने एफएसएस के साथ में मिल करके हाथ मिलाया था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया जाएगा। एफएसएस और आईपीपीबी इन्होंने हाथ मिलाया था फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके अलावा आईपीपीबी महिंद्रा के साथ में भी टाई अप की थी, महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंसिंग के साथ में जो है इन्होंने टाई अप किया था। और टाई अप क्यों किया था, बेसिकली कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन के लिए। किसने, आईपीपीबी और महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस ने कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन के लिए पैक्ट साइन किया था। ओके, टॉकिंग अबाउट दिस आईपीपीबी, तो हु इज द चीफ, वेंकट रमन, जे वेंकट रमन इज द चीफ। एंड वेयर इज इट लोकेटेड, न्यू दिल्ली। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कंपनी इज डेवलपिंग अ फ्यूचरिस्टिक हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट, नेमली कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। नाउ सी, आपसे क्या पूछा है कि कौन सी कंपनी जो है ये डेवलप कर रही है सी ए टी एस को, ठीक है, हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट। द आंसर विल बी एच ए एल इसको करने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट। कार्लोस मेनम वॉज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, हु अमंग द फॉलोइंग पास्ड अवे रिसेंटली। ब्राजील, अर्जेंटीना, मेक्सिको, टूनिशिया, वेनेजुएला। बताते चलो, वी स्टिल हैव 20 क्वेश्चन, तो अब बहुत ज्यादा हम लोग डीप में ना डिस्कस करके और क्वेश्चन आंसर करते चलेंगे, जिससे रिविजन हो जाए एटलीस्ट जो हमें मेन करना है, इजंट इट। कार्लोस मेनम की आपसे बात कर रहा है, ठीक है, ये कहाँ के पहले आपके जो है प्रेसिडेंट थे। द आंसर हियर विल बी अर्जेंटीना, ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना। ओके, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना, बताइएगा जरा। मूविंग टू द नेक्स्ट, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंस टू इन्फ्यूज वॉट अमाउंट स्टेट ओन्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ड्यूरिंग द करेंट क्वार्टर इन अ बिड टू इम्प्रूव देयर फाइनेंशियल हेल्थ। 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000, 5000, नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था कि इन्फ्यूज करेंगे कितना अमाउंट जो भी स्टेट ओन्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं अपने करेंट क्वार्टर में, ताकि ये फाइनेंशियली और बेहतर काम कर सके, ठीक है, अपने फाइनेंशियल हेल्थ वाले सेक्टर में और अच्छा कर सके। आंसर विल बी 3000 करोड़, ठीक है, 3000 करोड़ इन्होंने अनाउंस करा था। देखो, फाइनेंस मिनिस्ट्री विल इन्फ्यूज 3000 करोड़ कैपिटल इन टू स्टेट ओन्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ड्यूरिंग द करेंट क्वार्टर। करेंट क्वार्टर कौन सा था आपका, फेब वाला, इन अ बिड टू इम्प्रूव देयर फाइनेंशियल हेल्थ। ठीक है, लास्ट ईयर द यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्लियर प्रपोजल टू प्रोवाइड कैपिटल सपोर्ट टू नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस एंड यूनाइटेड इंश्योरेंस। अभी अगर आप लोग देखो तो ये लोग बिल्कुल गुस्से में बैठे हुए हैं, क्योंकि प्राइवेटाइज करने की बात चल रही थी, इजंट इट। यहाँ पे आपका इंश्योरेंस सेक्टर में कितना एफडीआई अलाउड है बताइएगा, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई कितना अलाउ कर दिया गया है बताना। द कैबिनेट हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू इंक्रीज द ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टू 7500 करोड़, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एंड ओरिएंटल इंश्योरेंस टू 5000 करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। हाँ, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई आपका 74% कर दिया है, और इस वजह से ये सभी लोग क्या सोच रहे हैं कि कहीं इनकी भी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेटाइज ना हो जाए। ऑब्वियसली अगर 74% आपका कोई प्राइवेट प्लेयर ले लेता है, बिकॉज यहाँ पे एफडीआई तो अलाउड है, तो ये क्या हो जाएंगे, प्राइवेटाइज हो जाएंगे, इजंट इट। तो ये सब लोग भी गुस्से में थे बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल चेयर विश मीटिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग वर्चुअली इन फरवरी 2021। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, नन ऑफ द अबव। देखो, ये जो आई थे कौन सी गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग की, ठीक है, दैट वुड बी सिक्स, ठीक है, ही गवर्न सिक्स गवर्निंग काउंसिल। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। फ्लिपकार्ट इज पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर ग्रुप सेफ गार्ड इंश्योरेंस पॉलिसी टू इट्स कस्टमर्स। ठीक है, फ्लिपकार्ट ने पार्टनरशिप करी थी कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, ताकि वो ऑफर कर सके ग्रुप सेफ गार्ड इंश्योरेंस पॉलिसी अपने कस्टमर्स को। बजाज एलियांज, आईसीआईसीआई, एडलविस, टोक्यो, भारतीय एक्सी और पॉलिसी बाजार। वॉट इज द आंसर, ओके, जल्दी जल्दी बताते चलो।
सो समवन इज क्राइंग लाउडली आउटसाइड. ओके, भयानक बिल्कुल आवाज आ रही है एंड वी कांट डू एनीथिंग, सो यू पीपल हैव टू टॉलरेट दिस एज वेल. ओके चलो आंसर्स करते चलो. मस्ट हैव गॉट बीटन वेरी बैडली, बहुत बुरी तरह से कोई बच्चा पिटा होगा तभी वो इतना दम लगाकर रो रहा है. बिल्कुल या नाउ सी द आंसर हियर वुड बी व्हाट, ICICI. ठीक है, ICICI के साथ में इन्होंने पैक्ट साइन किया था ताकि अपने कस्टमर्स को ग्रुप सेफ गार्ड इंश्योरेंस दे सके. ये ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी. ठीक है, द ग्रुप सेफ गार्ड कम्स विद डेली कैश बेनिफिट स्टार्टिंग फ्रॉम ₹500 एंड हॉस्पी कैश बेनिफिट फॉर फ्लिपकार्ट कंज्यूमर्स. ठीक है चलो अगला देखते हैं. डोंट नो वेदर वी शुड फील पिटी फॉर हिम और फॉर हिज पेरेंट्स. ओके एनी वे चलो अगला देखो. इंडियन मल्टी नेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी पार्टनर्ड विद विच इंस्टीट्यूशन टू स्ट्रेंथन कैपेबिलिटीज इन साइबर सिक्योरिटी. क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इंडियन मल्टी नेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी है, इन्होंने पार्टनरशिप किया कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ में ताकि साइबर सिक्योरिटीज में कैपेबिलिटीज अच्छी की जा सके. इंडियन स्टेट्स इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, थापर यूनिवर्सिटी. व्हाट इज द आंसर? या नाउ सी द आंसर हियर वुड बी व्हाट, द आंसर हियर वुड बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, IIT कानपुर. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. इन्होंने HCL के साथ में पैक्ट साइन किया था साइबर सिक्योरिटी में, ये हम लोग ऐसे भी दो चार बार किए थे. फिर इन्होंने प्रसार भारती के साथ में भी साइन किया था मीडिया ब्रॉडकास्टिंग में, इजंट इट? हमने ये सारी बातें कई बार पढ़ी हैं इनके बारे में. ASOCA अशोका इज अ बुक रिटन बाय हु अमंग द फॉलोइंग, झुंपा लहिरी, इरविन एलन सेली, अनीता देसाई, रमीला थापर, शोजी सिबा. व्हाट इज द आंसर? क्या पूछ रहे आपसे? अशोका, ये किन्होंने लिखी है इस किताब को? द आंसर इज या द आंसर हियर विल बी इरविन एलन सिली. ठीक है, नेक्स्ट. जस्टिस रिटायर्ड एम रामा जॉयस हु अमंग द फॉलोइंग हैज पास्ड अवे रिसेंटली हैज आल्सो सर्वड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट. ठीक है, जस्टिस रिटायर्ड हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, बिहार एंड झारखंड, उत्तर प्रदेश बिहार, हरियाणा पंजाब, हरियाणा बिहार. SS girl, now you will be blocked, so don't spam one thing. Everyone is scared or everyone is thinking about the result, but it doesn't mean ki tum uske wajah se pasine pasine ho aur padhai nahi kar raha ho. Okay, so I don't have to block, he will be blocked by the team itself. Isliye main kehti hu kabhi bhi bina baat ke spam mat karo. Answer se spam karo to samajh bhi aa raha hai. Now the answer here would be what? The answer here will be Bihar and Jharkhand. Okay, so he was the governor of Bihar and Jharkhand. Also remember about Kalyan Singh. He died, the ex-CM of UP. Okay, chalo. Which of the following has received the Asia Environmental Enforcement Award 2020 awarded by United Nations Environment Program? International Fund for Animal Welfare, Wildlife Crime Control Bureau, Wildlife Alliance, World Society for the Protection of Animals, The Nature Conservancy. SBI result पर एक session ले लेती हूँ, उसमें 20-25 हज़ार ऐसे ही आ जाएगा बिना बात का. उसमें मैं कहूँगी क्या हो सकता है इस हफ्ते आए, हो सकता है उस हफ्ते आए, और इसमें सब आ जाएंगे एकदम देखने. अरे क्या हो रहा है, SBI के लिए पढ़ने कोई नहीं आता है, लेकिन एक ऐसे सेशन में सब जरूर जाते हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं है. जब तक SBI नई नोटिफिकेशन दे रहा है कहाँ से पता चल जाएगा. चलो द आंसर विल बी व्हाट, किसको जो है एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड दिया गया था UNEP के द्वारा? द आंसर हियर विल बी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो. ठीक है, नाउ अनदर थिंग इज वेयर इज UNEP सिचुएटेड. ठीक है, UNEP सिचुएटेड कहां पर होता है बताते चलो. UNDP UNEP बहुत कंफ्यूजन में रहते होगे तुम लोग. ठीक है, याद इस चीज को बहुत ध्यान में अपने रखे रहना. UNEP की खासियत है ये नैरोबी में होता है. ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इंटरेक्शन प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा विल बी हेल्ड इन मार्च 2021?
सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नन ऑफ दी अबव। या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन प्राइम मिनिस्टर्स इंटरेक्शन प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा विल बी हेल्ड इन मार्च। ठीक है, कौन सी एडिशन होगी? सो इट विल बी द फोर्थ एडिशन। हाँ, नाउ हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द अवार्ड फॉर मोस्ट वर्सिटाइल एक्टर एट दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021। ठीक है, इनमें से किसे मोस्ट वर्सिटाइल एक्टर का अवार्ड दिया गया था दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2021? नीरज पांडे, करण ठक्कर, मनोज वाजपेयी, के मेनन, नन ऑफ दी अबव। हाँ, कल मैंने आपको पूरी लिस्ट दी थी दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स की, इजंट इट? द आंसर ये विल बी के मेनन। जो IFFI होता है आपका, इसका 52nd वर्जन होगा अभी अगले 1-2 महीने में, नवंबर बेसिकली। और इसमें जो 52nd होगा, यहाँ पे एक नया अवार्ड लगा दिया मिल देगा आप, सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, तो इसको भी जरा ध्यान रखे रहना। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सोलर बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अंडर इट्स हर घर पानी हर घर सफाई मिशन? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, नन ऑफ द अबव। बहुत अच्छा किया, रटे रहो। ओके, किसी एग्जाम में तो आते ही सारी चीजें काम, IFFI, दादा साहेब फाल्के, ये सब इंपॉर्टेंट रहते हैं। द आंसर विल बी, या देखो ये जो मिशन आ जाता है इसके बाद ही अपने आप क्लियर होता है। द आंसर ये विल बी पंजाब। इनका अपना एम है 2022 तक इस मिशन को कंप्लीट करना। ठीक है, कि अपने वहाँ पे जितने भी रूरल घर हैं वहाँ पे पानी की सुविधा पहुँचा देना। इसके लिए इन्हें 300 फिनेंस भी किया गया, $300 मिलियन। ओके, नाउ नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड द एपिक बैटल ऑफ लॉन्जवाला रिलीज बाय इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल RKS भदौरिया? एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोरा। ठीक है, लिखा क्या है, किसने ऑथर किया है? अमित देव, मानवेंद्र सिंह, भरत कुमार, नन ऑफ दी अबव। या द एपिक बैटल ऑफ लॉन्जवाला इट हैज बीन ऑथर्ड बाय हुम? इट हैज बीन ऑथर्ड बाय भरत कुमार। ओके, नाउ देन, रिनाउंड पर्सनालिटी सतीश शर्मा पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज अ वेटरन वॉर। सतीश शर्मा जी क्या हुआ करते थे? जर्नलिस्ट, डॉक्टर, पॉलिटिशियन, एक्टर, नन ऑफ दी अबव। ओके, सो सतीश शर्मा जी वॉज अ पॉलिटिशियन। ओके, और एक और भी चीज़ को याद रखो, फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी, इनकी डेथ हुई थी, इनको ध्यान रखे रहना। ओके, ये एग्जाम में आ सकते हैं इस बार। एज ओल्ड कंचॉट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी? लद्दाख, मणिपुर, दमन दीव, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। ये कहाँ पर होता है कंचॉट फेस्टिवल? इट इज सेलिब्रेटेड इन जम्मू कश्मीर। ठीक है, लद्दाख का याद रखिएगा, हेमिस। ठीक है, माओ चेरी ब्लॉसम, यहाँ का याद रखना। ठीक है, ये सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अपॉइंटेड हिमा दास एज अ डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इन द स्टेट? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, असम। ठीक है, हिमा दास को कहाँ का डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट पुलिस का बनाया गया है उस स्टेट में? द आंसर विल बी, या द आंसर ये विल बी असम। असम ने ये भी कहा है कि जो भी मेडलिस्ट है नेशनल गेम्स के उन सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब रिजर्व किया जाएगा। इसका आंसर क्या था? असम। जस्टिस पुलिगोरु वेंकट संजय कुमार हैज बीन स्वॉन इन एज चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट्स हाई कोर्ट? ठीक है, PV संजय कुमार कहाँ के जो है चीफ जस्टिस बनाए गए, किस हाई कोर्ट के? असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम। हाँ, अब देख लो भाई इसका आंसर क्या होगा। द आंसर विल बी मणिपुर। अगला, नेम द ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ऑनलाइन सिविक सर्विसेज टू रेसिडेंट ऑफ 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स। ई पद, ई बस्ती, ई समूह, ई छावनी, ई रोशनी। क्या पूछ रहा है, कौन सा ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि ऑनलाइन सिविक सर्विसेज, सिविल सर्विसेज जो भी है आपकी, वो रेसिडेंट्स को दी जा सके जो 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं? ये बहुत ही आसान सवाल है।
या द आंसर हियर इज ई छावनी। ओके थ्री मोर क्वेश्चंस नाउ, और हम लोग ऑलरेडी काफी टाइम ले चुके हैं क्योंकि लेट सेशन भी शुरू होता है। नेम द इंडियन एक्टिविस्ट हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन फीचर्ड इन द 2021 टाइम 100 नेक्स्ट द टाइम मैगजीन्स एनुअल लिस्ट ऑफ 100 इमर्जिंग लीडर्स। कन्हैया कुमार, चंद्रशेखर आजाद, तेजस्वी प्रसाद यादव, दुष्यंत चौटाला, हार्दिक पटेल। व्हाट इज द आंसर? हाँ द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज चंद्रशेखर आजाद। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी इनके बारे में, इजंट इट? द स्टार्टअप पाई बीम हैज लॉन्च द इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कॉल्ड पाइमो। द पाई बीम इज इंक्यूबेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग IIT? IIT बॉम्बे, खड़गपुर, कानपुर, मद्रास, नन ऑफ द अबव। या ठीक है, पाई बीम किसका होता है? IIT मद्रास। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसीव 5,80,000 डोजेज ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन फ्रॉम इंडिया सीरम इंस्टीट्यूट ऑन 17 फेब 2021? ये नहीं आएगा, फिर भी हम लोग को याद रखना चाहिए। ब्राजील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, बोलीविया, गुयाना। द आंसर इज द आंसर विल बी अर्जेंटीना। ठीक है। अच्छा डू यू पीपल रिमेम्बर एनीथिंग अबाउट वैक्सीन मैत्री? कुछ याद है ऐसा, ऐसी कोई स्कीम? वैक्सीन मैत्री करके, इजंट इट? ये लॉन्च किया गया था, बेसिकली कह सकते हो आप लोग, वैक्सीन फ्रेंडशिप एक ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव था जो कि भारत सरकार ने लिया था, इजंट इट, नेबर कंट्रीज को वैक्सीन देने के लिए। ओके सो दिस वॉज द सेशन फॉर टुडे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को एक एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई दिक्कत दुख परेशानी हो तो यू पीपल कैन टेल मी, आई एम देयर। ओके एंड बिसाइड ऑल्सो रिमेंबर, अगर आपको कोई सा भी कोर्स लेना है तो यू हैव टू यूज़ दिस कोड सुष्मिता। ठीक है, कोई भी कोर्स, कोई भी टेस्ट सीरीज ले रहे हो, यू कैन यूज़ दिस कोड एंड यू विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा 5% विद दिस कोड। ओके चलो फिर मिलेंगे। अशोक कंसोशिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, बट आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हो। ओके सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ठीक है, मतलब ये नहीं है कौन कहाँ पढ़ा रहा है, मतलब ये है कि आप उससे अभी पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, और अगर आप कंफर्टेबल हो तो पढ़ो। ओके करना क्या है, जैसे यूट्यूब में एक जगह जा रहे हो वैसे यूट्यूब में दूसरी जगह जाओ। वॉट इज देयर टू वरी? ओके पढ़ते रहो बस, वो जरूरी है, एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। सारे महीने के, तुम लोग लास्ट वाली लाइन यार कंप्लीट नहीं होती है, सारे महीने के 3 पार्ट होंगे मार्च तक, अप्रैल से 4 पार्ट्स कर दूंगी, 200 और 300 जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो करूंगी, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट होगा उसे सैटरडेज में भी कराया जाएगा, वीकेंड्स में। ठीक है चलो, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, जय हिंद।